हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडर ड्यूड्स में। दोस्तों, आज की ये वीडियो में मैं आपके लिए एक खुशी की बात लेके आया हूँ। एंड खुशी की बात ये कि हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग पे। एंड ये प्लेलिस्ट काफ़ी स्पेशल होगी क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हम कंसेप्ट को इतना ईजी करके पढ़ाएंगे कि फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके तो बैचलर डिग्री के हर एक बच्चों को समझ में आएगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है और हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो भाई, पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया था। एंड पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसका जो सिंटैक्स है वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा से काफ़ी सिंपल है। एंड इसी की वजह से ये एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बन जाती है। एंड उसी के साथ पाइथन एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हम पाइथन को कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड साथ ही में ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ये इंसानों को समझने में काफ़ी सिंपल होती है। एंड पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम को फॉलो करती है, मतलब हम इस लैंग्वेज को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। एंड इस लैंग्वेज को गुइदो वैन रूसो ने डेवलप किया था 1991 में, जो कि एक स्पेशल इंसान है क्योंकि इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कई एक अलग ही हाई लेवल पर लेके गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं कि हम पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं, क्या सही में पाइथन इतनी पावरफुल है। चलो देखते हैं। तो यदि हम पाइथन सीख ले तो हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम पाइथन को यूज़ करके हमारी नई वेबसाइट्स बना सकते हैं, हम पाइथन को गेम डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, अपने खुद के नए गेम्स बना सकते हैं। एंड जैसे कि नई टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इन सभी में पाइथन का यूज़ किया जाता है क्योंकि पाइथन में पावर है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एंड सबसे स्पेशल बात, हम पाइथन को यूज़ करके अपनी खुद की एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकते हैं, जैसे कि लॉयन, जिराफ, जो आपका मन चाहे, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो भाई देखते हैं हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए एंड पाइथन सीखने के क्या फ़ायदे हैं। तो भाई, पाइथन एक वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हम इसे कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, एम्बेडेड सिस्टम और बहुत जगह पे है। उसी के साथ पाइथन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड 2015 से 2020 में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है डेवलपर कम्युनिटी के बीच में। एंड ये एक टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी कोडर्स के बीच में 2020 में। एंड पाइथन रिलेटेड जॉब्स काफ़ी डिमांड में है एंड ये आपको पता चल सकता है लिंक्डइन से, जो एक लार्जेस्ट जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है। एंड पाइथन दो नंबर पे थी मोस्ट इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ 2020 में। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं पाइथन ही क्यों सीखूं जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल्स है। तो भाई, पाइथन सीखने में काफ़ी सिंपल है एंड पाइथन के कोड समझने में काफ़ी इजी होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू स्टैक ओवरफ्लो, हर 100 में से 30 डेवलपर्स पाइथन सीखना चाहते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। एंड करंटली पाइथन की जो कम्युनिटी है वो 8.2 मिलियन डेवलपर्स की है, जो कि सबसे बड़ी कम्युनिटी है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। एंड कम्युनिटी सपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जब डेवलपमेंट की बात आती है। अब देखते हैं वो कौन सी कंपनीज है जिनमें पाइथन एज ए मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जनरली बहुत सारी कंपनीज पाइथन को एज ए मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करती है, बट बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक, ये काफ़ी डिपेंड है पाइथन पे। एंड आपको ये जानकर खुशी होगी कि गूगल पाइथन के बारे में क्या सोचता है। गूगल मानता है कि पाइथन एक शुरू से ही गूगल के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है एंड रहेगा, एंड जिसने गूगल को बढ़ने में काफ़ी हेल्प की है। एंड आज गूगल के ज़्यादातर इंजीनियर पाइथन यूज़ करते हैं एंड गूगल को इस लैंग्वेज में और स्किलफुल इंजीनियर की नीड है। एंड ये एक अच्छी बात है सभी पाइथन लर्नर्स को, एंड ये हमें मोटिवेट करता है कि हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, सब्सक्राइब एंड लाइक मारने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, तो यदि आपके 1 सेकंड से किसी को खुशियाँ मिलती है तो यार खुशियाँ देने में हरकत ही क्या है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।